जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां और 25वां पद। वचन कहता है, विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। 25वां पद कहता है, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस पवित्र सामर्थी वचन के लिए। दोस्तों, परमेश्वर ने जितने भी नबी हमें दिए हैं उनकी गवाही हमें प्रोत्साहन करती है, उनकी गवाही हमें हमारे अंदर उत्साह पैदा करती है कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के बोझ को अपना समझा, उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को जाना और अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में। उस आराम को छोड़कर, उस कंफर्ट्स को छोड़कर वो बाहर आए और परमेश्वर की सेवा की। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा। अगर मूसा के बारे में हम बात करें तो मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था, हालेलुया। उसके दो बेटे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने उनके सुख को नहीं भोगा। उसने परमेश्वर की योजना को समझा, उसने परमेश्वर के बोझ को जाना, उसने परमेश्वर की योजनाओं को जाना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर इब्रानियों को बचाने के लिए कितनी योजनाओं को बना रहा है, और मूसा ने अपने आप को समर्पित किया। दोस्तों, हमारा आराम कभी कभी हमें परमेश्वर की योजनाओं से दूर कर देता है, हमारा आराम कभी कभी हमें सुसमाचार से दूर कर देता है, हमारा आराम कभी कभी परमेश्वर की योजनाओं को समझने नहीं देता है। हम इतने शरीर के आदि हो जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि मूसा ने शरीर का क्षणिक सुख नहीं भोगा, उसने पूरी तरीके से उस पाप से दूर करके अपने आप को परमेश्वर की सेवा की। हालेलुया। दोस्तों, शमूएल जिसको हन्ना ने जन्म दिया था, जिसको हन्ना ने पाया था परमेश्वर से एक वाचा के रूप में, जब शमूएल परमेश्वर की सेवा के लिए मंदिर में गया तो सारे आरामों को छोड़कर, एल्काना और हन्ना बहुत ही अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन उस वाचा को निभाने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को निभाने के लिए हन्ना ने अपने पुत्र को परमेश्वर के मंदिर में रखा। और आप जानते हैं कि वो एपोत पहना करता था, मलमल का एक छोटा सा टुकड़ा पहनकर परमेश्वर की सेवा करता था। हन्ना जब भी उससे मिलने आती थी, कोई खिलौना लेकर नहीं आती थी, कोई केक लेकर नहीं आती थी, कोई मिठाई लेकर नहीं आती थी, आराम का कोई भी सामान उसके लिए लेकर नहीं आती थी, लेकिन हन्ना जब आती थी, बाइबल बताती है, तो एक एपोत लेकर आती थी, उस मलमल का कपड़ा लेकर आती थी, जो रीति थी कि याजक उस कपड़े को पहनकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। उस आराम से उसने शमूएल को दूर किया और तभी शमूएल परमेश्वर की सेवा कर सका। और बाइबल कहती है कि शमूएल जो कहता था इसराइल में वही होता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके वचन को गिरने नहीं दिया। दोस्तों, हमें आराम छोड़कर परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। हमारा शरीर और हमारा प्राण जो कि परमेश्वर के धर्मी नहीं है, हमारी आत्मा को परमेश्वर ने धर्मी बनाया, लेकिन हमारा शरीर और हमारा प्राण अभी तक संसार में है। इसलिए वो वचन, वो आशा, वो सुसमाचार, वो योजना, वो दबाव, वो बोझ, उस बोझ को लेकर हमें अपने शरीर और प्राण के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उनको साथ लेना है और परमेश्वर के बोझ को अपने जीवन में उतारना है, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। वो बोझ हमारे अंदर है। सोचिए, मूसा के अंदर क्या बोझ था अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, इब्रानियों के लिए। और वो बार बार, अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वो बार बार उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए परमेश्वर के क्रोध को शांत करता था। वो किस तरह मध्यस्थी करता हुआ परमेश्वर की योजनाओं को अपने भाइयों तक पहुंचाता था, अपनी बहनों तक पहुंचाता था, ताकि वो सुख पाएं। वो जान चुका था कि परमेश्वर की योजना क्या है, वो जान चुका था कि परमेश्वर क्या उनको देना चाहते हैं, इसलिए वो मध्यस्थी करते हुए परमेश्वर का आराम, परमेश्वर का सुख, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आशीष उन बच्चों को, उन भाई बहनों को देता था। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर की योजना क्या है, हम जानते हैं क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पर भेजा, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया। हम इस बोझ को, इस योजना को, परमेश्वर को हम दुनिया तक पहुंचाएं, अपने आराम को छोड़ते हुए, अपने सुख को छोड़ते हुए, अपने क्षणिक सुख को
छोड़ते हुए। तो दोस्तों आइए आज अहद करते हैं, वाचा बांधते हैं कि हमारा शरीर का सुख हमारे आड़े नहीं आएगा, हमें हमारा शरीर का सुख परमेश्वर की योजनाओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आड़े नहीं आएगा। हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ परमेश्वर का बोझ, परमेश्वर की योजना उन भाई तक पहुँचाएंगे जो हमारे सामने, जो हमारे पड़ोस में रहता है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। दोस्तों अगर हम जान नहीं सकते तो हम प्रार्थना के द्वारा उनकी सेवा करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से मध्यस्थी के साथ परमेश्वर, क्योंकि हमारा मध्यस्थी का परमेश्वर, हमारा मध्यस्थी का यीशु परमेश्वर के साथ रहता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें और दया मांगें, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आइए हम सुबह प्रार्थना करते हैं और आशीष के सुख मांगते हैं, उस बोझ को हमारे मन से ना हटे। परमेश्वर तेरा बोझ हमारे अंदर रोज बढ़े, धार्मिकता की भूख हमारे अंदर बढ़ती जाए, वो प्यास हमारे अंदर बढ़ती जाए, वो ज्ञान की भूख हमारे अंदर बढ़ती जाए और हम तेरी योजनाओं को समझते हुए, तेरी योजनाओं को जानते हुए, उसके बोझ को अपने अंदर लेते हुए हम वो काम करें जिसके लिए तूने हमें चुना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दया कर, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरी समझ परमेश्वर, तेरा पूर्ण ज्ञान हमें दे परमेश्वर, ताकि हम उसी तरह चलें जैसा तू चलता था, उसी तरह चलें जैसे मूसा चलता था, जैसे यीशु चलता था, जैसे पौलुस चलता था, जैसे पीटर चलता था, हम उसी तरह अपने जीवन को चलाएं जैसे शमूएल चलता था। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं